विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया। सुकृत सुख सुंदरताई सब समेत विधि रची बनाई। समउ जानी मुनि बरन बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर लाई। जनक बाम दिसि सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय रुरानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़ ही वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन जरि अवसर जानी। बरु बिलोकि दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। सुचिता भवति सुरवरनै करिमा।
अनुप मन मुनि जोगी जन दे से अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजन जन को जय जय सब कहे लागे पखारन पार भर कुमरी कर कल जोड़ी साको चारु दो कुल दुर करे भयो पानी गहनु विरोगी भी सुर मनुर मुनि आनंद भरे सुख मूल दूल हुजे की दंपति पुलक तन मुल सोरियो करी रोग बेद निदानु कन्ना गानु नृप भूषण कियो लागे पकारन पाय हिमवंत जिन गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई निम जनक राम हि सिर समर्पि विश्व कल कीरति नहि जो करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरि करि होम विधिवत बाणि जोरि होन लागि भावरि कल भावर दे नैन लाग सब सादर ले जाई नगर नि मनोहर जो जो उपमा कछु कहो सुखो राम सीय सुंदर प्रतिछाई जगमगात मन खम्बन माही मन मदन रति गरीब हो रूपा देखत राम बियाहु अनुपा सरस लाल सा सकुट न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे प्रमुदित मुनिन बावरी फेरी देख सहित सब रीति बेरी राम सीय सिर सिंदूर देही शोभा कही न जाति विधि केही अरुण पराग जलज भरिणे के शशि भूष अहि लोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुलहिनी बैठी